अभी जाते हुए रास्ते में मैं ठहर गया हूँ। यहाँ पे एक कोकोनट गरीब बेचने वाले हैं, माशाल्लाह ये बहुत दूर के हैं, मेरे बिल्कुल जानने वाले हैं, तो मैंने सोचा रास्ते में इनके पास थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लूँ। तो 2-3 मिनट इनके पास बैठते हैं, बड़ी फ्रेश बेहतरीन गरी ये लगाते हैं, इधर कराची से स्पेशल ये मंगवाते हैं, बड़ी फेमस इनकी गरी है। तो ये मेरे कुछ बड़े जानने वाले हैं, ये उनके रिश्तेदार थे, अचानक ही मुझे इनसे तारफ़ हुआ पिछले दिनों, तो बड़ी खुशी हुई, मेरे दिल में मोहब्बत जागी कि शायद इनके पास खड़े होके 2-3 मिनट इनसे बातें की जाएं। फिर कराची खुद लेने जाते हैं, कराची से जे पहले जो ना 15-20 साल पहले जाते थे लेने के लिए, फिर वो हमारे तलब बन के गए रहे, ऑनलाइन पे माल आता है, बैंक में पैसे डालते हैं और कराची से ये माल वो बुक करा देते हैं, हमारे पास आ जाता है। अच्छा, तो ये आप काटते भी खुद? अच्छा, ये आप लेने जाते हैं वहाँ से माल? हाँ जी, ये जो है जो माल जो है ना वो पहले 20 साल पहले एक जी यहाँ से जी भाग के इसलिए गया कि सड़क पे 500 रुपया मिला किसी का गिरा, तो इसलिए ये भाग के वापस गया। आप 500 रुपया लेके ये वापस आ रहे उसी से जो लेके आते हैं जी, तो अभी फिर वो जो इसको काटते हैं, फिर काट कर वो पानी जो है लहदा बेचते हैं और नारियल को काट के, और बंद नारियल का भी घाघ आता है और वो देते हैं, सप्लाई करते हैं। तो इसको काटना मुश्किल होता है? काटना मुश्किल होता है आम लोगों के लिए, हमारे लिए मुश्किल नहीं होता। तो आज फिर हमें इसका तरीका बताएंगे आप? मैं बताऊंगा जी, क्यों नहीं। चलें जी, आइए इनके साथ चलते हैं, नारियल को तोड़ने का मुकम्मल तरीका देखते हैं। पानी उसने निकाला है और मुझे कहता है आप पिए इसको, बहुत मेहरबानी शुक्रिया भाई की। ये देखें, जबरदस्त, बहुत कमाल, मजा आ गया इसके। आज मैं ये व्लॉग मेरा यहाँ पे ख़त्म होता है, ये छोटी सी वीडियो थी कोकोनट गरी वाले की। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, नए मौके में नए शहर में नए कॉन्टेंट के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।